हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। उससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गए थे सीएचएसएल के, हम उसकी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कैसे गया था, क्या मायने था, किस तरीके से कट ऑफ गया था। दोस्तों पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले। बगैर प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा अगर आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे चुके हैं तो। अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा दोस्तों। और उसके साथ साथ किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि वीडियो को शुरू में देखकर 1 मिनट छोड़ दिए उसके बाद कह दिया सर ये नहीं वो। अंत तक देखिए तो ही किसी डिसीजन तक आप पहुंचिएगा, ठीक है ना। ध्यान से पहले समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के एसएससी सीएचएसएल के। यहाँ पे अगर ध्यान से चीजों को समझिएगा, एसएससी से जो यूआर कैटेगरी का था 127.5, ये था 2016 में। 2017 में दोस्तों देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा उछाल मार दिया, ठीक है ना। 27 से बढ़ गया 143। अगले साल फिर थोड़ा सा पेपर इजी हुआ तो घटा। कट ऑफ दोस्तों बढ़ेगा ना, चीजों को समझिएगा। कट ऑफ अगर बढ़ रहा है तो कहने के पेपर का जो लेवल था वो इजी रहा होगा, ठीक है ना, तभी कट ऑफ जो बढ़ रहा। यहाँ पे पेपर थोड़ा सा टफ किया तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा क्या हो गया, लो हो गया। बात करेंगे ओबीसी की, 120 से 139। दोस्तों यहाँ पे देखिए हर एक कैटेगरी में कट ऑफ 2017 में इंक्रीज किया है, मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उसके बाद आपका फिर जो है 2018-19 में 133.74 हो गया, ठीक है ना। एससी की बात करेंगे तो 108 से लेकर 122 बढ़ा और फिर जाकर घट गया 12 नंबर, ठीक है ना, 110 पे आके रुक गया। एसटी की बात करें 99.112 हो गया और 99.9 हो गया 2018-19 में। और बात करें एक्स सर्विस मैन का तो यहाँ पे 64.5, फिर ये चीज हो गया। चीजों को हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं दोस्तों कि आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब जनरल और ओबीसी के जो कट ऑफ हो रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो जनरल ओबीसी का कट ऑफ वो लगभग लगभग इक्वल जा रहा है, मतलब 2-4-5 का डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम 2016 को ही उठा लें तो 2016 में 127 और 120 सात का आंकड़ा दिख रहा, यहाँ पे 143 का। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 143 और 149 चार अंक का डिफरेंस, यहाँ पे 135 133, मतलब 2-1.5 के आसपास का। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप ओबीसी हैं तो आप अपने आप को जनरल मानकर चलिए, ठीक है ना, क्योंकि जनरल का कट ऑफ आपको जान लीजिए क्लियर ही करना है। ओबीसी अगर है तो एससी एसटी का कट ऑफ आप नहीं ले सकते, ठीक है ना, आपको जनरल से जो है लेकर चलना है कि हमें यूआर के कट ऑफ को दोस्तों क्या करना है, क्लियर करना है। बहुत सारी चीजें जो है कट ऑफ यहाँ पे देखिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, ये चीज आपको सभी को पता है, ठीक है ना। अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इजी शिफ्ट रहते हैं ना उनके मार्क्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन को वास्तव कोई समझ ही नहीं पाएगा। अगर ऐसी बात करें 100% तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा कोई 100% नहीं समझ पाता है। बस ये जानता है जिनके जो है टफ शिफ्ट में रहते हैं उनके मार्क्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जिनके इजी शिफ्ट के पेपर हैं उनके मार्क्स कम हो जाते हैं या नहीं बढ़ते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन में अभी तक जो ऐसा देखा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन होने वाला दोस्तों इसमें भी, तो कहीं ना कहीं आप सभी को जो है पूरा वेट करना कट ऑफ के लिए, पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और दोस्तों डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करें या ना करें, कितने मार्क्स आए ताकि हम डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें, उसके लिए हम यहाँ पे ध्यान से चीजों को देखिए बताने वाले। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ नंबर बढ़ सकता, कुछ घट सकता, वो अलग बात है, लेकिन आपका इसी के नियर अबाउट कट ऑफ दोस्तों रहने वाला 2019 और 2020 का, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। तो चीजों को समझ लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं चीजों को समझ लीजिए, यहाँ पे यूआर ओबीसी एससी एसटी सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एससी एसटी समय एक्स सर्विस मैन का तो फिर कोई मतलब नहीं है, ज्यादा वो नहीं है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं यूआर की, फिर बात करते हैं मतलब वही जनरल, ओबीसी की, फिर बात करते हैं एससी की, फिर बात करेंगे एसटी की।
चीजों को समझ लीजिएगा। और जो एक्स सर्विस मैन वालों का कट ऑफ है ना, वो नियर अबाउट ये थोड़ा सा कम ही रहेगा, उसका ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इन सबका बता। अगर आप एक्स सर्विस मैन से कोई भी स्टूडेंट है बताइएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यू आर ओबीसी एससी एसटी, इसका कट ऑफ दोस्तों आप जो है देखिए, सेफ जोन दो चीजें होती है, एक तो होता है आप बॉर्डर के पास है, एक होता है आप सेफ जोन के आसपास है। तो ध्यान से समझिएगा, जो यू आर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है इस पर दोस्तों, वो 145+। जी हाँ दोस्तों, यू आर की जो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, वो इस बार 145+ के आसपास रह सकती है, ठीक है ना। चीजों को दोस्तों समझिएगा, आपको हो सकता है बेशक ज्यादा लग रहा हो, लेकिन इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ाई अच्छे तरीके से की है दोस्तों, ठीक है ना, पढ़ाई अच्छे तरीके से की है और एग्जाम भी दिए हुए हैं। तो कुछ इजी शिफ्ट भी थे, कुछ मतलब टफ शिफ्ट भी थे। तो अगर आप यू आर से हैं, तो अगर आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 145+ अगर आपका आ रहा, मतलब लग रहा कि 145 है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्या मान सकते हैं, सुरक्षित मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आप 100% सुरक्षित मानना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर आप चाहते हैं कि मैं सर एक ऐसा स्कोर बता दीजिए जिसे 100% सुरक्षित रहे, तो अगर आपका 150+ भी आ रहा है ना, 150+, तो 100% दोस्तों आप सुरक्षित, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप जो है 150+ लाए हैं ना, तो आप 100% सुरक्षित है, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। लेकिन कट ऑफ की बात करेंगे तो नियर अबाउट 145 के आसपास इस साल जाने वाली है, ठीक है दोस्तों, यू आर कैटेगरी की, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, पिछली बार 135 गई थी, और पेपर के लेवल को देखते हुए इस बार 145 दोस्तों में बता रहा हूँ, ठीक है ना। बेशक आपको ज्यादा लगे, लेकिन कट ऑफ आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। अब ओबीसी का कट ऑफ दोस्तों, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, 140+ जा सकता है, कितना जा सकता है, 140+ दोस्तों। इसमें 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 2-3 मार्क घट भी सकते हैं, ये अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अभी 140 है तो आप कहेंगे रे सर 142 चला गया है, तो 2-3 बढ़ और घट सकते हैं, लेकिन लगभग इसी के आसपास रहने वाला है। ओबीसी की बात करेंगे तो 142+2, यहाँ पे +2 और -2 हो सकता है, ठीक है। 2-3 मार्क्स, 2 मार्क बढ़ सकते हैं, 2 मार्क घट सकते हैं ओबीसी के लिए, ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एससी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एससी की बात करेंगे तो 130+, और यहाँ पे +-3 मार्क जो है दोस्तों बढ़ भी सकते हैं, और 3 मार्क क्या हो सकते हैं दोस्तों, घट भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 132 रहेगा दोस्तों, सॉरी 132+, 3 बढ़ सकते हैं और 3 क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे एसटी की कट ऑफ, तो यहाँ पे 120, जी हाँ दोस्तों, +3 बढ़ सकते हैं और +3 घट भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे लिख दिया है। और एक काम आप लोग करिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना स्कोर सही हुआ, इतना मतलब मैंने मतलब अपने अनुसार बताइएगा, इतना मेरा हुआ और इस शिफ्ट में था, इजी था, टफ था, मतलब देखिए दोस्तों ये मैंने मिला जुला कर आपको कट ऑफ बताया है, ठीक है ना। अब ये 100% ऑफिशियली कट ऑफ तो नहीं, बस बता रहा हूँ, अगर आपके इतने रेंज में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की क्या करिए दोस्तों, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ओवरऑल की दोस्तों हम बात करें, एक और बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपका ओवरऑल किसी भी कैटेगरी से अगर आपका 140+ बन रहा है, ठीक है ना, लग रहा है मतलब कि 70 क्वेश्चन हमारे सही है 70 के आसपास, तो आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए, क्योंकि वह भी जरूरी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कट ऑफ बाई चांस थोड़ा सा लो या हाई हो, लो हो तो फिर आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप तैयारी करना दोस्तों शुरू कर दीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना शिफ्ट में, मतलब किस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए थे, किस डेट को था, कैसा पेपर का लेवल था, आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको मोटिवेट जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वारियर्स बैजनाथ सर के साथ।